करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर द्वारम करुणावतारम संसार सारम। इस दुनिया को कौन चलाता है, हमें कौन चलाता है, इस दुनिया को किसने बनाया, हमें किसने बनाया, क्या आपको पता है इसका जवाब? मुझे पता है आप लोग में से ज़्यादातर यही बोलेंगे, बस भगवान और बस भगवान। चलिए आपका गाना हम मान लिए, इस दुनिया को और हमें भगवानों ने बनाया है। जो भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया? पता नहीं ये सवाल कितने लोगों के अंदर होगा और आपके अंदर भी होगा, लेकिन आज तक इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया सही तरीके से। चलिए आज कुछ अलग जानते हैं। एक बार की बात है, एक संत ने भगवान शिव से पूछा, आपके पिता कौन हैं? फिर शिव ने जवाब दिया, मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं। फिर संत ने पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे दादा विष्णु जी हैं। फिर वो संत ने पूछा, अगर आपके पिता ब्रह्मा जी हैं और दादा विष्णु जी हैं तो आपके परदादा कौन हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? तो सुनिए, उन्होंने जवाब दिया, मैं ही परदादा हूँ। अगर इस चीज़ को हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसका कुछ ना कुछ मतलब बनता है। इस कहानी से एक चर्चा बनता है, यानी चक्र, न ही कोई इसका शुरुआत है न ही कोई अंत। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं, जिसके विस्फोट से ये हुआ था, जिसका अचानक ही विस्फोट हुआ था। लेकिन सवाल यहाँ ये निकल कर आता है कि इस बिंदु से पहले आखिर क्या था? लेकिन इस बिंदु से भी तो पहले कुछ ना कुछ होगा, तभी ना विस्फोट हुआ। लेकिन विज्ञान का ये मानना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी विस्फोट से पहले, एक केवल एक निराकरण फॉर्मलेस बिना मौत वाला डेथलेस, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसी ही थी। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था, ये बिना किसी स्वरूप वाला एक केवल बिंदु था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो चलिए आगे जानते हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो जो किसी रहस्यमय या सीमित क्षमता वाले से भरा था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस डेथलेस, जिसका ख़त्म न किया जा सके, दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस भी इसे प्रूफ किया है कि हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और कुछ नहीं में ही मिल जाएगी। इसका मतलब हमारी सृष्टि की हर एक वस्तु शिव से ही आई है और शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं है। दूसरे शब्दों में शिव ही एक ब्रह्मांड है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे एनर्जी क्या है और वे जवाब देंगे कि हाँ नहीं हम एनर्जी को बना सकते हैं और नहीं हम एनर्जी को अंत कर सकते हैं, जो कि ये बात एक गीता में भी लिखी है। गीता में ये लिखा गया है, आत्मा को नहीं हम बना सकते हैं और नहीं इसका अंत कर सकते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी कहते हैं। और यस बात को एक ग्रंथ में भी कहा गया है कि हम नहीं शिव को बना सकते हैं और नहीं शिव को मिटा सकते हैं। हम मरते कब है? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती, यानी एनर्जी, और शिव नहीं रहता तब हमारे शरीर सब बन जाता। इसीलिए शिव हम सबके अंदर है। हम भारतीय विज्ञान अच्छी तरह जानते हैं और हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर है। हमें तो बस विज्ञान की गुठियों को समझने के लिए अपने ग्रंथों को सहारा लेना पड़ता है। हर जवाब वह मौजूद है, या शायद इसीलिए हर एक बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है। सो गाइस, ये थी कुछ अनोखे ज्ञान जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने कुछ नया सीखे होंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप फ्यूचर में भी अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी और एक अनोखी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए स्टे लर्निंग एंड स्टे ग्रोइंग।